पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद राजीव प्रताप रूडी के प्रयास से छपरा मुजफ्फरपुर एनएच 722 पर मकेर में अंडरपास नाला एवं अन्य कार्य की स्वीकृति मिलने की सूचना मिलते ही मकेर के जनता खुशी से झूम उठे। लोगों ने कहा कि जहां अंडरपास बनना है वहां पर अनेकों घटनाएं हुई है, कई लोग काल के केगाल में समाये गए हैं, घटना से छुटकारा मिलने की उम्मीद जग गई। मकेर के व्यवसाय एवं ग्रामीणों ने सांसद से दुर्घटना से बचाव के लिए पहल करने का मांग किया गया था, जिसको लेकर सांसद ने संज्ञान में लेते हुए अंडरपास एवं अन्य सुविधाओं का टेंडर करवा दिए हैं, जिसको लेकर मकेर के व्यवसाय तथा ग्रामीणों ने सांसद के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मकेर उपप्रमुख मैनेजर साह के नेतृत्व में भाजपा नेता निरंजन शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष रामदयाल शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुचिंद्र साह, मंडल अध्यक्ष सुमित कुमार सिंह को अंगवस्त्र से सम्मानित कर मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। अशोक साह, सुरेश साह, संतोष साह, बबलू साह, चंदन साह, गबीनाथ मिश्रा, सुबोध शर्मा, मनीष कुमार मालाकार, पंकज कुमार, असलम खान उपस्थित थे। डी 11 टीवी के लिए मकेर से पप्पू मिश्रा की रिपोर्ट। पहले तो मैं भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी और जनप्रिय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी को इसके लिए बधाई देता हूँ कि इन लोगों ने मकेर में जो बराबर सड़क दुर्घटनाएं होती थी उसको अपने संज्ञान में लेकर के रूडी जी ने उनकी अपनी बात वहाँ रखी और नितिन गडकरी जी ने वहाँ अंडरपास बनाने का जो आदेश दिया है इससे आने वाले भविष्य में दुर्घटनाएं नहीं होंगी, होंगी भी तो रेयर होंगी और मकेर के लोगों को भी इससे काफ़ी ध्यान। सबसे पहले मैंने पढ़ाई इसलिए दिया कि अभी जो 722 की स्थिति है वह कहीं भी लोग दूसरे जगह के लोग भी अगर यहाँ से गुजरते हैं तो कहते हैं कि भाई वह एनएच है वाकई बहुत बढ़िया बना, बहुत बढ़िया बना भी है, लेकिन अभी जो स्थिति बनी थी कुछ लोगों के असावधानी के कारण और कुछ रोड अच्छी हो गई तो गाड़ी की स्पीड भी बढ़ा देते थे हम लोग, तो इस कारण से भी दुर्घटनाएँ होती थी, उसको रोकने का तो अब निदान वही है वहाँ जो है अंदर पास हो जाए ताकि लोगों को दुर्घटना से बचाया जा सके। इसके लिए जो यह राशि 46,47,00,000 की लागत से जो यह बनने जा रहा है इससे लोगों को राहत होगी और लोग दुर्घटना से बचेंगे। यह जैसा उपाध्यक्ष निरंजन जी ने मुझे बताया कि इसका टेंडर भी हो गया, तो टेंडर जब चला गया टेंडर में तो काम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, काम जब शुरू हो जाएगा तो सड़क का अंडरपास बन गया तो बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। इस बात के लिए मैं पुनः अपने सांसद और नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यहाँ के लोगों को भी जिन लोगों ने यह प्रयास किया हमारे कार्यकर्ता चाहे वह निरंजन जी हों चाहे मंडल पूर्व के मंडल अध्यक्ष जी हों वर्तमान के मंडल अध्यक्ष जी हों जो यहाँ के मैनेजर शाह जी भी हैं यहाँ की समस्याओं को उनके यहाँ पहुँचाते हैं उनको भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ की समस्याओं को पहुँचा करके उसका निदान करवाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी की बात है कल ही पेपर में हम लोग देखे बड़ी खुशी की बात है कि मकेर में आप अनेकों एक्सीडेंट देखे वहाँ जो मकेर बाजार से चटिया के आसपास यहाँ NH 722 में मिलती है सड़क वहाँ और काफ़ी पूर्व में शिक्षक शिक्षक पति बहुत लोगों का एक्सीडेंट हुआ एक्सपायर भी कर गए। इसको संज्ञान में हम लोग सब लोग यहाँ से मकेर का पूरे बनिया समाज के सब लोग मिले मैनेजर साहब के नेतृत्व में भाई सुचिंदर जी के नेतृत्व में मिले और स्थानीय संत राजीव प्रताप रूढ़ी से बताए कैसी चीज़ आए दिनों प्रतिदिन कुछ ना कुछ कभी ट्रैक्टर से कभी मोटरसाइकिल से कभी ट्रक से कभी एक्सीडेंट हो जाता था और इसको संज्ञान में लेकर बड़ा पहल यहाँ के सांसद आदरणीय संत राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने किए हैं और यह स्वीकृत करा दिए हैं। लगभग 42,47,00,000 रुपये स्वीकृत है, वो अंडरपास बनेगा, ड्रेनेज बनेगा, पानी का नाला का बनेगा और जो व्यवस्थित रूप से करना है वहाँ सब बनेगा। तो इस नेक काम के लिए हम लोग पूरे ये मकेर के तरफ से राजीव प्रताप रूढ़ी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और इसलिए आभार व्यक्त करते हैं कि मकेर काफ़ी पिछला था, पूर्वी क्षेत्र सारण जिला का पूर्वी क्षेत्र काफ़ी पिछला था, न यहाँ बिजली न सड़क न बढ़िया रोड न स्वास्थ्य कोई सुविधा नहीं था, लेकिन इसको ध्यान रखते हुए न पी एस सी मैथिल
बिजली का सब स्टेशन सब कुछ व्यवस्थित रूप से कराकर और मकेर को पिछड़ा से अग्र क्षेत्र में करने का काम यहाँ के सांसद राजीव प्रताप रूडी जी किए हैं। इसके लिए उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं, एक हम देहाती में स्लोगन कहते हैं कि रूढ़ी जी के रहला से आ कोई ना रोकी सारण के बढ़ला से। आगे बढ़ाई मुंह मीठा कराइए। देखिए फलते ना।